watched this video. Assalamu alaikum, One Dream TV ki taraf se Naveed Ali aapki khidmat mein hazir hai. Aaj aapko WWE ki maine koi nayi updates batani hai, lekin thoda sa mera mood off hai kyunki WWE ki storyline ki kuch samajh mein nahi aa rahi kisi ki bhi. क्योंकि आजकल हो ये रहा है कि रोमन रेस के जो भी मैचेस हो रहे हैं, अभी रिसेंटली उनका एक मैच हुआ था डॉस जिगनर के साथ जिसमें बैरल कॉर्बन आ गए थे और 10-15 और रेसलर आ गए थे जो कि रोमन रेस मैच जीत रहा था, लेकिन 10-15 रेसलर ने आगे उसको एक पहला मैच तो ड्रॉ हो गया था और सारे मैच का एक मेरा गर्क हो गया था कि जो रोमन रेस के फैन थे, मतलब मैं उसका काफी बड़ा फैन हूँ, मेरा खुद का मूड ऑफ हो गया, क्या करें ये लोग. इसके बाद अब एक और मैच हुआ जो कि लास्ट वीक हुआ जो कि बैरल कॉर्बन के साथ था. अब उसके अंदर भी ये रोमन रेस मैच जीत रहा था, लेकिन फिर 10-15 रेसलर आ गए और उन्होंने आगे रोमन रेस को मैच हरा दिया. हालांकि ये रोनी ये चीज आज से पहले भी होती थी, जब द रॉक और ट्रिपल एच के मैचेस होते थे तब भी लोग आते थे, लड़ाइयां होती थी, लेकिन उस टाइम की स्टोरी लाइन बहुत जबरदस्त होती थी जिसमें द रॉक जो था ये मैच जीत जाता था. अभी तो ये होता है कि जैसा कि एक हीरो और विलन की लड़ाई हो रही है और हमेशा हीरो को वो हरा रहे हैं. अब रोमन रेस के जो फैन है वो क्या देखते हैं कि बस मैच हो रहा है और उनको पहले बच रही है 10-15 रेसलर रहेंगे, रोमन रेस के इंटरफेयर होगा वो मैच हार जाएगा, तो क्या फायदा वो देखने का मैच का. अब अगले साल 2020 में रॉयल रंबल और रेसलमेनिया आ रहे हैं. अब बिल्कुल अगर रॉयल रंबल में रोमन रेस के साथ कोई एक आधा रेसलर रह जाते हैं, बैरल कॉर्बन रह जाते हैं फाइनल में, तो फिर यही होगा कि 10-15 रेसलर अगर रोमन रेस को हरा देंगे वो सारी मैच लाया. रेसलमेनिया में कोई चैंपियनशिप मैच होती है जो कि रोमन रेस जीत रहा होगा, फिर 10 बार रेसलर आ जाएंगे वो बेल्ट फिर हार जाएगा. तो ये कोई गेम की कोई समझ नहीं आ रही ना, कोई गेम का मजा आ रहा है इतना, तो आपको पहले पता चल जाएगा रोमन रेस मैच हार जाएगा. आई रिक्वेस्ट टू WWE टू वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज डू समथिंग बेटर फॉर दिस न्यू स्टोरी लाइन. दिस स्टोरी लाइन इज नॉट गुड. One Dream TV, Naveed Ali.